स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज के पांच बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार सत्र केवल दो दिन के लिए होगा। दो दिन के इस सत्र में कई मामलों को लेकर हंगामा हो सकता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीते दिन कहा कि विपक्ष दल बीजेपी के मन में अगर महाराष्ट्र की जनता का ध्यान है तो उन्हें इस सत्र में शांतिपूर्वक भाग लेना चाहिए। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शोर शराबा हल्ला सरकार को घेरने का सही तरीका नहीं है और ना होगा। ऐसा करने से कोविड-19 टीकाकरण, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की परेशानियों को नहीं सुलझाया सकेगा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के पास चर्चा करने के लिए कई मुद्दे हैं, साथ ही जनता की समस्याएं। बीजेपी अगर महाराष्ट्र की जनता के जरा भी हित में है तो इस सत्र को वो शांति से चलने दे। उन्होंने कहा राज्य की जनता भी चाहती है कि दो दिन का ये सत्र बिना शोर शराबे के चले। कानपुर के बिकरू कांड के एक साल पूरे हो गए। इस वारदात के एक साल पूरे होने पर विकास दुबे के नाम पर बने सोशल मीडिया अकाउंट से आईजी मोहित अग्रवाल को मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस मामले में औरैया पुलिस एक्टिव हो गई है। बताया जा रहा है कि बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से आईजी मोहित अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी गई। औरैया पुलिस जिस शख्स से पूछताछ कर रही है उसका नाम राहुल सोनी है। बताया जा रहा है कि राहुल सोनी अछलदा क्षेत्र का रहने वाला है। लुधियाना में शहर का सिविल अस्पताल लापरवाही को लेकर आए दिन विवादों में घिरा रहता है। अब एक बार फिर यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल के लेबर रूम से सटे पोस्ट डिलीवरी वार्ड में जगराव की रहने वाली प्रसूता रेखा करीब 20 घंटे तक अपने मृत बच्चे के साथ पड़ी रही। लापरवाही इस कदर थी कि जिस वार्ड में प्रसूता अपने बच्चे के शव के साथ बेड पर थी, वही 8 अन्य महिलाएं भी अपने नवजात शिशुओं के साथ भर्ती थी। इस लापरवाही से अन्य महिलाओं व नवजात तक इन्फेक्शन फैल सकता था। रविवार दोपहर को जैसे ही इस लापरवाही की खबर फैली, लेबर रूम का स्टाफ हरकत में आया। उन्होंने अस्पताल के उच्च अधिकारियों को सूचित करके शिशु के शव को शव गृह में रखवाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के हो, और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं। भागवत ने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने जोर देकर कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, ना कि विसंवाद। भागवत ने आगे कहा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए है कि चाहे वे किसी भी धर्म के हो। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। धामी को सीएम चुनने जाने से पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले काफी हलचल रही। शनिवार को बीजेपी ने अचानक मुख्यमंत्री के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया। इसे सीआईसी हलकों में खलबली मच गई क्योंकि इस बात की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देहरादून में पार्टी हेडक्वार्टर में धामी के नाम का ऐलान होते ही सबसे पहले विधायक दल की बैठक छोड़ने वालों में सतपाल महाराज, हरकत सिंह रावत, यशपाल आर्या शामिल थे। उन्होंने बाहर निकलते वक्त मीडिया से भी बात नहीं की। तो ये थे आज की पांच बड़ी खबरें। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।